हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है। आप देख रहे हैं 33Y यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मैं इस चैनल के माध्यम से हमेशा सरकारी जॉब से संबंधित ही न्यूज़ लेकर आता हूं एंड 100% सही न्यूज़ लेकर आता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे बिहार दरोगा परीक्षा से संबंधित जो कि ऑफिशियल न्यूज़ जारी किया गया है, जो बताया जा रहा है कि रिजल्ट जनवरी में आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि बिहार पुलिस का एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका भी ऑफिशियल न्यूज़ जारी किया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद इस वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी विद्यार्थी हैं सभी के पास इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि दोस्तों, आप न्यूज़ के हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से ये अपडेट है, जो कि यहाँ पर अपडेट है 28 दिसंबर का है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हेडिंग में देख सकते हैं जो सिपाही बहाली परीक्षा का 30 से मिलेगा ई फ्रेश पत्र। इसके साथ में बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस में सिपाही के 11,880 पदों पर बहाली के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। शुक्रवार को केंद्रीय चयन पर्षद ने अपनी वेबसाइट पर इसे अपलोड कर दिया। अभ्यर्थी को 30 दिसंबर से ई प्रवेश पत्र मिलेगा। उन्हें वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर प्रिंट लेना होगा। डाक के जरिए प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। उसके बाद दोस्तों, बताया जा रहा है कि 6 से 7 जनवरी को डुप्लिकेट प्रवेश पत्र मिलेगा। पार्षद ने प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर पाने की स्थिति में डुप्लिकेट प्रवेश पत्र देने की व्यवस्था की है। ऐसे अभ्यर्थी जो किसी कारणवश प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, वे 6 से 7 जनवरी को पार्षद के हार्डिंग रोड स्थित कार्यालय से इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही एक छोटा सा अपडेट है जो बिहार पुलिस के लिए है। अब हम बात करते हैं दरोगा से संबंधित जो रिजल्ट के बारे में। तो बताया जाए कि दरोगा का रिजल्ट जनवरी में। पुलिस अवर सेवा आयोग के मुताबिक दरोगा सर्जेंट व सहायक जेल अधीक्षक पद के लिए हुई संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम जनवरी में आखिरी तक आ जाएगा। यानी दोस्तों, अंत तक जो जनवरी में अंत महीने तक दरोगा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, यही एक ऑफिशियल न्यूज़ है। तो चलिए, मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप लोग दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कैसा वीडियो है, ताकि मैं हमेशा सपोर्ट के लिए आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से वीडियो लेकर आता रहूँ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो नीचे एक रेड बटन है, उसे दबा कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं इस चैनल के माध्यम से वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।